अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि जो डुप्लीकेट्स हैं उनको किस तरह से ख़त्म करना है। आपने टेक्स्ट में से भी बताऊंगा और डिजिट्स में से भी बताऊंगा। यहाँ पे ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें MBA001, यहाँ पे ये आपको 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, ये आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये डुप्लीकेट्स ने आपने किस तरह ख़त्म करने हैं। अपनी जो रेंज है उसको सेलेक्ट किया मैंने, सॉरी इस तरह से नहीं करनी रेंज सेलेक्ट, यहाँ से जाकर रेंज को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। डेटा में जाऊंगा, यहाँ से मैं डेटा, इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, डेटा में गया मैं, रिमूव डुप्लीकेट्स, इसको करूँगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और यहाँ से फिर ओके कर दूंगा। यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अगर मैं अब इसमें से ख़त्म करना चाहता हूँ अपने डिजिट्स में से, तो अपने डिजिट्स की जो रेंज है उसको सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। उसके साथ हो ही नहीं रही, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। डाटा में जाऊंगा मैं, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट, इसको यहाँ से ओके कर दूंगा और यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स हैं वो इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का ट्यूटोरियल यही था जिसमें मैंने आपको बताना था कि टेक्स्ट और डिजिट्स जो है उसमें से आप डुप्लीकेट्स को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और ये आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा आपके डिफरेंट टास्क में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।